और योगा के बारे में मालूम के लिए सरकारी चराय से मालूम हासिल करें। प्रजापट्टी में सुबह जंगबंदी पर अमल दरावा शुरू होने के बाद 11वें रोज तक प्रजापट्टी पर इसराइल की लगातार जंगियत के बाद हुई जंगबंदी से तमाम तरक्की जिसमें का माहौल रहा तमाम फलस्तीनी शहरों ने जश्न मनाया गया। प्रजापट्टी के सियासी ग्यारह रोज तक के लिए हालिया जारियत के नतीजे में 232 फलस्तीनी शहीद हुए जिनमें 65 बच्चे और 41 खवातीन शामिल हैं जबकि 1900 फलस्तीनी जख्मी हुए। नींद बुनियादी तनसीबात और रिहायशी इमारतें बुरी तरह तबाह हुई हैं। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल कोटरीज ने कहा है कि अब तक की लड़ाई की बुनियाद प्रधानमंत्री तथा जो बाइडेन ने प्रजापट्टी में जंगबंदी के फैसले का समर्थन किया था। जनजन के दरमियान 11 रोज तक गोलाबारी और बमबारी के तबादले के पेशरफ्त ये हकीकी मौका है। उन्होंने अपनी जाहिर किया कि वो गजा के आराम और उसकी तमीर नौ के लिए बैन अवी हिमायत हासिल करेंगे। इसी तरह वाशिंगटन ने प्रजापट्टी में जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू होने के बाद के मबैन पैदावार पायदार अमन शांति के लिए काम करने का वादा किया है। उधर बरतानिया वजीर खारजा डोमिनिक राब ने कल जंगबंदी की खबर खुश आई है। बहाल होंगे। दरअसल रूसी वजीर खारजा की तर्जमान मारिया जिखारोफा ने फलस्तीनी और इसराइली काबिज के दरमियान जंगबंदी शुरू होने पर नहायत हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि हूसी रहनुमा बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पर यमन में यमन के इस्तेहकाम के लिए